दोस्तों समय आ गया है कि संभल जाए, क्योंकि अब जिस चीज़ की बवाल पूरी दुनिया में मची हुई है, कोरोना वायरस, उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत के आगरा में 6 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। वो 6 लोग बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि वही 6 के 6 लोग एक ही परिवार के हैं। और समय है कि हम संभल जाएं, जितना हो सके हम लोगों को मेडिसिंस वगैरह का स्टॉक कर लेना है। अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो उसकी सर्दी खांसी और फीवर और पेट में दुखना जैसी छोटी मोटी दवाइयाँ जो भी हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में दवाइयाँ नहीं मिलने वाली हैं। मास्क जो मुंह पर पहनने पड़ेंगे जो हमको, तो हो सके तो सबसे पहले जाकर आपके अड़ोस पड़ोस में दुकानों में से, अमेज़ोन पर कहीं भी से, फ्लिपकार्ट से या दुनिया की किसी भी जगह से मास्क को एकत्रित करके अपने घर में स्टोर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बहुत ही जल्दी ये कोरोना वायरस बहुत जल्दी से फैलता है। ये 30% पर डे के हिसाब से फैल सकता है, यानी आप सोच सकते हो आज 6 हैं, कल और 2 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 30% के हिसाब से बढ़ता है। तो मेरे प्यार भारतवासियों, इतना ज़रूर करना कि इन लोगों को जिनको संक्रमण हुआ है उनसे बहुत दूरी बनाए रखें, और वो खुद जिनको ये हुआ है वो उसको छुपाए नहीं और खुद ही लोगों से दूर हो जाए। तो इससे बचना और लोगों की जान बचाना बहुत ही आसान है, वरना हिटलर जो करके गया है वो आप सोच सकते हो। जो चाइना ने भी कहा कि हम लोगों को कुछ लोगों को मारना पड़ेगा जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है, ताकि बाकी दुनिया बच सके। मैं इसकी फेवर में तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर आखिरी उपाय यही होगा, मुझे भी हुआ तो मुझे भी मार देने की मैं परमिशन दे सकता हूँ। इसके बारे में सोचो, समझो और आगे बढ़ो। गवर्नमेंट को इसके आगे बहुत ठोस कदम उठाने ही होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सावधान हमको सबको खुद को रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे नज़दीक हम हमारे अपने हैं। तो इसलिए हमें ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा, जितना हो सके दूरी बनाए रखें। नींबू पानी ज़रूर पिए, नींबू गर्म पानी करके उसके अंदर नींबू डाल के और उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डालकर ज़रूर पीना शुरू करें, तो आपका जो स्टेमिना है उसमें एक एसिडिक तत्व होता है नींबू में, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसकी वजह से पॉसिबल है कि हम कोरोना से संक्रमित न हो, या फिर हमें उसका कम असर हो, या फिर जल्दी से ठीक होने की, जब तक कि इसका एंटीडोट नहीं मिल जाता हमें सावधानी ही रखनी पड़ेगी। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप यही